हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सब ने मक्की का मूली वाला या मेथी वाला पराठा तो खाया ही होगा, पर इसका कई बार आटा बच जाता है और हम उसको नेक्स्ट डे यूज़ करना चाहें तो वो काफ़ी पतला हो जाता है और इस पतले आटे से दोबारा पराठा बनाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पिछले दिन के बचे हुए मक्की के आटे से पराठा बनाना सिखा रही हूँ। इस बचे हुए आटे में ना तो हम ड्राई आटा मिक्स करेंगे ना ही कुछ और। इस आटे से बिना किसी झंझट से कोई भी बड़े आराम से पराठा बना सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। शेयर आइकन प्रेस करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर देना। फ्रेंड्स, ये देखो पिछले दिन का मक्की का आटा जिसमें मैंने मूली ऐड की थी वो काफ़ी पतला हो चुका है। अब इस पतले आटे से हम बिना किसी झंझट से पराठा बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन की ग्रीसिंग करने के बाद ये आटा डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार हिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें से जितना भी एक्सेस वाटर है वो सूख जाता है। लगातार मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते हुए हमने इस तरह बाइंड भी कर लेना है। इस तरह बाइंड होने पर फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर से स्पैचुला के साथ इसको पैन में स्प्रेड कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पर आने पर हमने इसको हाथों से फिर से इकट्ठा करना है। देखो अच्छी तरह बाइंड हो चुका है। अब हम इसी आटे से फिर से पराठा बनाते हैं। अब इस आटे को एक बॉल में निकाल लेंगे और पैन को अच्छे से साफ करके इसी में पराठा बना लेंगे। पराठा बेलने के लिए मैंने एक पॉलीथीन लिया है, उसको अच्छे से साफ करने के बाद थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के ग्रीसिंग कर ली है। अब थोड़ा सा आटा लेके उसको बॉल बना लेंगे और पॉली बैग के ऊपर रख देंगे। और हाफ पॉलीथीन इसके ऊपर रख देंगे और हाथों से इस तरह थप थपा के हमने पराठा बेल लेना है। फ्रेंड्स, इसको बेलने के लिए हमने ड्राई आटा बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया। इस तरह आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग मोटा पतला जिस तरह का भी आपको पराठा पसंद है उस तरह का बेल सकते हो। बेलने के बाद ऊपर वाला कवर हटा देंगे और पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पैन के गर्म होने पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे और अब हम पराठे को बड़े आराम से इस तरह उठाएंगे, हाथ पे पलट के जल्दी से पैन में भी पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही पराठे को सेकेंगे। थोड़ी देर के बाद किनारों से हम स्पैचुला के साथ पराठे को ऊपर करके चेक करेंगे। ये देखो अच्छे से कुक हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के दूसरी साइड को भी सेक लेंगे। दोनों साइड्स के क्रिस्पी होने पर इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह दूसरा पराठा भी बना लेते हैं।
अब गर्मा गर्म पराठे बटर या कर्ड के साथ सर्व करेंगे। अब मैं एक बाइट आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखो पराठा अंदर से भी अच्छे से क्रिस्पी बना है। अब मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक दिन पहले बचे हुए मक्की के आटे से बड़ी ही इजीली पराठा बना सकते हो। प्लीज़ ट्राई करने के बाद अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट देने के लिए इस आइकन को प्रेस करें और अपना कमेंट यहाँ टाइप करें। आपके इतने से एफर्ट से मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस भी पोस्ट कर सकूँगी। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।